बेसिकली इस कोरोना महामारी जैसे आपदा जो हम सबों के बीच में आया है जनमानस में, और इससे बचाव के लिए दूसरा कोई उपाय हम लोगों के साथ पास नहीं है, सिर्फ शिव की पूजा। विनाशकारी शिव हैं और शिव की पूजा ही हमको महामारी से हम सबों को बचा सकता है। इसलिए आज श्रावण मास है, श्रावण मास का अष्टमी तिथि है और लास्ट सोमवार है। सबके मन में ये आया कि कुछ इस तरह का वातावरण बनाया जाए, इस तरह का आध्यात्मिक वातावरण हो कि हर कोई कुछ पल के लिए बिल्कुल आज के डेट में जो कष्ट में है, पीड़ा में है, उससे निकल के बिल्कुल शिवमय हो। तो इसी के लिए जन कल्याणार्थ मनमानस जागृति फाउंडेशन जो संस्था है, हम सबों का सभी संस्था के सदस्य हैं और इन लोगों की इच्छा हुई कि इस तरह का एक आध्यात्मिक कार्यक्रम हो। हम लोग इस चीज़ को प्रारंभ किए और पटना में पहली बार इस तरह का आध्यात्मिक कार्यक्रम हुआ है। और हम अगले साल हम लोगों का आपका पटना के गांधी मैदान में 11,000 लोगों का 11,000 जैसे आज हम लोगों के पास 51 जोड़े कथा व्यवस्था, उसी तरह से अगले साल हम लोगों का 2022 में 11,000 जोड़े का रुद्राभिषेक करवाने का एक लक्ष्य है और विश्वास है कि बिल्कुल पूरा होगा। चूँकि आप लोग जैसे सहयोग करते हैं, चाहे और जैसे लोग सहयोग कर रहे हैं, होगा और पूर्ण रूप से होगा, मुझे विश्वास।